अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आप लोग को ये प्रोडक्ट देख के पता लग गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस चीज़ पे बन रही है। तो यस गाइस, आज हमारी वीडियो बन रही है सन ब्लॉक पे। मेरे पास ग्लोमेश वाइटिंग एंड विनिशिंग सन ब्लॉक है इस वक्त। तो क्या सन ब्लॉक मेकअप से पहले यूज़ कर सकते हैं? सन ब्लॉक वाइटनिंग का काम करता है क्या? सन ब्लॉक धूप में असर करता है? ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे गाइस। सबसे पहले सन ब्लॉक के ऊपर लिखा हुआ होता है SPF। हर सन ब्लॉक के ऊपर, यहाँ तक के कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करने के लिए लेते हैं उसके ऊपर भी SPF प्रिंट आउट हुआ हुआ होता है। तो गाइस, SPF का मतलब क्या है? और हर प्रोडक्ट पे, हर सन ब्लॉक पे अलग अलग SPF प्रिंट आउट हुआ हुआ होता है। तो SPF इसके ऊपर 60 प्रिंट आउट हुआ हुआ है। वो SPF उस प्रोडक्ट की मिकदार बताता है ये कितने घंटे के लिए हमारी स्किन के ऊपर धूप से, धूप की जो रेज होती हैं उसको बचा सकता है, कितने टाइम के लिए हमें धूप से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको SPF का मतलब बताती हूँ। SPF का मतलब क्या है? SPF का मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स। गाइज, अगर आप लोग के पास सन ब्लॉक नहीं है और आपको अर्जेंट बाहर जाना हो, या सन ब्लॉक ख़त्म हो गया है, या आपके पास कोई ऐसी क्रीम नहीं है जो आपको सन से प्रोटेक्ट करे, तो आप बाहर जाते हुए कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा टच करके अपने हैंड एंड अपने फेस को, या वो पार्ट जो आपका धूप में साफ क्लियर खुला हुआ हो उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल में भी 4 to 5% SPF होता है जो हमारी स्किन को धूप से प्रोटेक्ट करता है। आप किसी भी SPF सन ब्लॉक या किसी भी प्रोडक्ट को अगर स्मेल करेंगे जिसके अंदर SPF पाया जाता है, तो उसमें से आपको कोकोनट ऑयल की लाजमी आएगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल SPF सन प्रोटेक्शन से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके ऊपर SPF 60 है। 60 का मतलब है कि हमें 3 घंटे तक धूप में सन से प्रोटेक्ट करेगा। और इसके नीचे लिखा हुआ है PA++++। तो ये जापान की डेजिग्नेशन साइन है। ये भी एक किस्म का पैमाना है जो अल्ट्रा वाइटनिंग रेस से हमें महफूज रखता है। तो गाइज, ये है सन ब्लॉक की बहुत सारी खूबियाँ। इसके अलावा इसके ऊपर ये भी प्रिंट आउट हुआ हुआ है कि ये मल्टी फंक्शनल है और ये हमारी स्किन की टोन को ब्राइट करता है और वाटर, एंटी डार्क स्पॉट्स, एंटी एजिंग, इन सब को हमें रोकता है। मतलब इसको लगाने के बाद ये हमारे स्किन के ऊपर एक कोट बन जाता है जो, मतलब ये वाटर प्रूफ है। तो गाइस, क्या ये मेकअप से पहले यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जब हम मेकअप यूज़ करते हैं उससे पहले हम कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, उस मॉइस्चराइज़र की जगह हम ये लगा सकते हैं। अगर हम मॉइस्चराइज़र लगा के सन ब्लॉक अप्लाई करेंगे तो वो हमारे ऊपर बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत केकी मेकअप हो जाएगा। तो अगर हम खाली ये सन ब्लॉक अप्लाई करने के बाद हल्का सा कोई फाउंडेशन यूज़ करते हैं, या अगर सिंपल बाहर जा रहे हैं, तो ये यूज़ करने के बाद हम इसके ऊपर टिंट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, इस ये क्या ये वाइटनिंग रिज़ल्ट देता है? तो इसको हम अभी आपके सामने टेस्ट करके दिखा देते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। इसको हम हाथ पे यूज़ करके दिखाते हैं। तो गाइस, ये है कुछ इसकी थिकनेस, इस तरह से लेके इसको हम अच्छी तरह से फेस वॉश करके अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, ये मेकअप से पहले यूज़ हो सकता है और ये वाइटिंग इफ़ेक्ट भी देता है। ये देखें, इसने स्किन को काफ़ी ज़्यादा वाइट किया है, इस हाथ में और इस हाथ में आपको क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ये है हमारी सन प्रोटेक्शन की वीडियो। SPF सन ब्लॉक स्किन के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है, और अगर बिलफर्ज़ धूप से हमारी स्किन जल जाती है तो उसको हमें सही करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस एहतियात को पहले से करें कि आप अपनी स्किन को बाहर जाते हुए सन प्रोटेक्शन पहले से अप्लाई करके जाएं। गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।